जगत का उद्धार करने नगर भ्रमण पर निकले हैं प्रभु जगन्नाथ। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग मौसी से मिलने पहुंचेंगे गुणीचा मंदिर। 16 पहियों पर सवार प्रभु जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए उमड़ी है भक्तों की भीड़। भक्तों के बीच उनके कष्टों को काटने आए हैं प्रभु जगन्नाथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ओडिशा के पुरी शहर की जगन्नाथपुरी धाम में आकर हर कोई देखे अपने आप को धन्य समझता है, क्योंकि धरती के इसी बैकुंठ लोक में महाप्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं। यहीं पर 16 कलाओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण की धड़कनें सुनाई देती हैं और यहीं पर महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रहस्य से भरी प्रभु जगन्नाथ की यही अलौकिक दुनिया आज उनके भक्तों से पटी हुई है, क्योंकि देखें 9 दिनों की यात्रा पर प्रभु जगन्नाथ अपने नगर भ्रमण पर अब निकल चुके हैं। आज प्रातः सुबह जैसे ही प्रभु जगन्नाथ अपने रथ पर विराजमान हुए, भक्तों की भीड़ द्वारा रथ खींचने का जो सिलसिला था वो आरम्भ हो गया। 1600 किलोमीटर की ये यात्रा कितनी है इसका अंदाजा पीछे से लगा लीजिए कि 18 हाथी, 101 ट्रक और 30 अखाड़े इसमें शामिल हैं। ठीक इसके एक हफ्ते बाद अब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी प्रभु जगन्नाथ पधारेंगे, यानी कि अमेरिकी जमीन पर भी भव्यता के साथ प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में डूबी पश्चिमी संस्कृति किस प्रकार से अध्यात्म के पथ पर अब चल पड़ी है। 1967 से निकाली जाने वाली रथ यात्रा आज की डेट में कितनी भव्य होती है, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। सैन फ्रांसिस्को में प्रभु जगन्नाथ, अमेरिकी जमीन पर जगन्नाथ रथ यात्रा, अमेरिकी बने प्रभु जगन्नाथ के भक्त, अब अमेरिका भी बोलेगा जय जगन्नाथ। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत से कोसों मील दूर अमेरिका में और अमेरिका में मौजूद कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को शहर, जी हाँ, अमेरिका में रह रहे हिंदुओं के लिए ये शहर क्या मायने रखता है इसका अंदाजा पीछे से लगाइए कि हर साल इसी शहर में प्रभु जगन्नाथ की एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। बड़े ही धूम धड़ाके के साथ जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच महाप्रभु के रथ को खींचा जाता है, जो कि देखिए 1967 में भक्ति वेदांत स्वामी महाप्रभु पाद के नेतृत्व में ही पहली दफा महाप्रभु की रथ यात्रा निकाली गई थी। तब से लेकर देखिए आज तक इस परंपरा का निर्वहन इस्कॉन द्वारा किया जाता है। रथ यात्रा के संबंध में इस्कॉन द्वारा ये कहना है, जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि केवल रथ पर भगवान के दर्शन करने से ही व्यक्ति जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्नति करता है। अब जो कि देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा सनातनियों का भी महापर्व है, तो फिर सवाल उठता है कि भाई अमेरिका इसमें दिलचस्पी क्यों लेंगे। जो कि देखिए भगवान के घर में गोरे काले का कोई भेद नहीं है, और शायद यही वजह है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही इस्कॉन द्वारा ये सूचना हमेशा दी जाती है, कृपया रथों के इस अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव में हमारे साथ शामिल हो और अपने अस्तित्व को शुद्ध और उत्कृष्ट बनाए। आपको रथ खींचने, निशुल्क भोज में भाग लेने, प्रदर्शनियों में घूमने और सांस्कृतिक प्रदर्शन देखने और नए दोस्त बनाने का अवसर मिलेगा। तो विदेशी धरती पर प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाले जाने का जो उद्देश्य है उसको लेकर भी इस्कॉन हमेशा ये कहता है, बच्चों को वैदिक संस्कृति से परिचित कराने और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने का ये एक शानदार अवसर है। वे पुनर्जन्म के विज्ञान, भगवत गीता, भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाले नाटक, नृत्य और भक्ति गीत और संगीत को समझाने वाली प्रदर्शनी देख सकते हैं। तो देखा जाए तो प्रभु जगन्नाथ की भक्ति सिर्फ भारत तक तो बिल्कुल सीमित नहीं है, क्योंकि महाप्रभु के भक्त दुनिया भर में हैं, और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ पुरी से जैसे ही महाप्रभु का रथ चलना शुरू होता है, रथ के जो पहिए हैं पूरी दुनिया में घूमने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आप भी बोलिए जय जगन्नाथ।